See question 5 and 6 in the properties of determinant, right? So question 5 dekhi aap, pehle koi bhi determinant agar given hai, first you have to study the determinant, then you have to check hum usme kya kar sakte hain, value ko kaise simplify kar sakte hain. Mostly question determinant ki value nikalne se hi related aate hain. To andar jo numbers dekh rahe hain hum, a plus 2b hai, plus 2c, aur idhar a b given hai, right? C hai to b plus c 2a hai, b hai. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको कॉलम वाइज वर्कआउट करेंगे या रो वाइज वर्कआउट करेंगे, राइट? सो दिस इज सी ए, सी प्लस ए टू बी गिवन है. अगर सपोज करो हम रो वाइज ऐड करते हैं, रो वाइज इनमें कोई सी और सी वैल्यूज है और यहाँ टू सी गिवन है, सो इफ आई सब्ट्रैक्ट इसके थ्रू इसको ऐड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू सी ठीक है गायब हो जाएगा, ए प्लस बी, लेकिन वो सेम प्रॉब्लम इधर गड़बड़ कर जाएगा, राइट? यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ पे ए प्लस बी मिलने वाला है, और ये b है, अगर सपोज करो डबल करके माइनस कर रहे हैं इसमें, सो c प्लस a मिलेगा. सो अगेन इन द एनी रो देयर विल बी a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a. नाउ इसको अब इस तरह से कॉलम वाइज देखा जाए, ठीक है? कॉलम वाइज में हम देखते हैं कि a प्लस b आ रहा है, और यहाँ a और b दोनों सिंगल है, 2c डबल है. सिमिलरली b और c यहाँ सिंगल है, और एक c और b अवेलेबल है, 2a अवेलेबल है, राइट? C और A सिंगल है, C प्लस A सिंगल है और B डबल है, तो क्यों नहीं हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें, राइट? तो जो ऑपरेशन यूज करना है, यूजिंग C1 इज सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी A प्लस B डबल हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी डबल A प्लस B प्लस C. सिमिलरली हियर ऑल्सो B प्लस C डबल हो गया, और 2A ऑलरेडी डबल था, so two times of a plus b plus c, right? Here also c plus a है, c plus a दोनों सिंगल है यहाँ पे, और सिंगल इधर भी है, और b डबल है, so you can all makes the double, so two times of a plus b plus c common आ जाएगा आपका. बाकी second column और third column as it is रखने का initially एक stage में, right? so this is a and b and b, this is bb and c plus a plus 2b, right? Now we can take out the whole value common. First column में से ये बाहर निकल जाने वाला है. So this is two times of a plus b plus c outside, and we can write the this is one one one, and a b is there, b plus c plus 2a is there. This is a, and this is b and b, c plus a plus 2b, right? अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करें कि वी हैव टू क्रिएट एज मेनी एज जीरोज एंड देन ओपन, राइट? बिकॉज नंबर्स जो है यहाँ वन देख रहे हैं, बी है, वन है, बी है, तो अगर खाली हम इसको माइनस कर देते हैं तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे खाली सिंगल, वी विल क्रिएट द टू जीरो इन द फर्स्ट रो, राइट? सो जस्ट यूज दिस ऑपरेशन, आर वन इज सच दैट आर वन माइनस आर टू, ये ऑपरेशन यूज करेंगे, एंड बाय दिस इट विल बी टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है, राइट? एंड यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा, और ये देगा अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो माइनस ऑफ, बिकॉज दिस इज सब्ट्रैक्टेड, राइट? सो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी देयर, एंड दिस इज जीरो, राइट? एंड बाकी दोनों रोज एज इट इज लिख देंगे आप, बी प्लस सी प्लस टू ए होगा, एंड दिस इज बी एंड वन ए, एंड दिस कैन बी रिटन एज सी प्लस ए प्लस टू बी, राइट? नाउ यू कैन टेक, यू कैन डू वन मोर थिंग, राइट? अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो ए प्लस बी प्लस सी फैक्टर कॉमन है, एक में लीनियर है, स्क्वायर है, क्यूब है और क्यूब है, राइट? तो डेफिनेटली ए प्लस बी प्लस सी इज कॉमन, सो यू कैन टेक आउट दिस होल वैल्यू एज अ कॉमन, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट रो इफ यू टेक आउट दिस कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी, because we can create the one more power to the a plus b plus c, ek aur power create ho jayegi, and you can write the two times of a plus b plus c, right? And take out this a plus b plus c common from the first row, so power 2 aa jayega, and this will be the 0 minus 1 0, and write down the second third dono as it is likh dijiye, koi dikkat nahi hai. और इसमें अब ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, रो सेकंड में से रो थर्ड को भी माइनस कर दें,
चलिए इसको भी कर देते हैं, तो यहाँ जीरो बनेगा एक और, ठीक है, और बी प्लस सी माइन प्लस ए बनेगा, बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा ये। एंड अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी देयर, और थर्ड रो एज इट इज आ जाएगी 1a c + a + 2b, राइट। तो हमने यहाँ जो सेकेंड प्रॉपर्टी यूज की है वो प्रॉपर्टी ये थी, R2 such that R2 minus R3, ये भी यूज कर दिया, साथ ही साथ रो फर्स्ट रो में चेंज था सेकेंड रो में भी चेंज कर दिया, राइट। सो नाउ देर आर सो मेनी जीरोज आर देयर एंड यू कैन टेक आउट दिस ऑल्सो, कॉमन निकाल सकते हो कॉमन, चाहो तो आप यह इस पोजिशन पे भी अगर ओपन कर देंगे तब भी वैल्यू मिलेगी, बट वी कैन टेक आउट वन मोर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, सो इट इज क्यूब, 0 - 1 0 0, दिस इज 1 - 1 एंड वी कैन राइट द 1a एंड दिस कैन बी रिटन एज c + a एंड +2b, राइट। नाउ इट इज वेरी इजी टू ओपन दिस, और किसी भी रो से ओपन कर सकते हैं, फर्स्ट रो से ही ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ प्लस होता है, इसमें माइनस लगता है, माइनस लगता है मीन्स दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a + b + c होल क्यूब हो चुका ऑलरेडी, और अगर ये प्लस, यहाँ +1 हो जाएगा, इसको आप रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, दिस इंटू दिस 0, और ये माइनस ऑफ -1 + 1, सो दिस इज द आंसर यह, राइट। 2 टाइम्स ऑफ a + b + c होल क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ a + b + c होल क्यूब विल बी द आंसर, एंड चेक चेक, 2 टाइम्स ऑफ a + b + c होल क्यूब, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट यह, राइट। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी थोड़ा सा स्लाइटली इनोवेटिव क्वेश्चन है, वैल्यूज को कैसे चेंज करना, फिर वैल्यू कैसे निकालना, स्लाइटली गेम जैसा ही है, आपको ये देखना पड़ता है कि हम वैल्यूज को कैसे चेंज करें, ठीक है। तो इसको आप एज ए पढ़ाई की तरह से नहीं लेकर के एक गेम की तरह से लीजिए कि डिटरमिनेंट गिवन है और हम उसको कैसा वैसा चेंज कर देंगे, जिस तरह क्वेश्चन 6 दिया हुआ है। ये बोलता है इफ a 5xp, b 10y5, c 15z 15 = 125, दिस वैल्यू इज गिवन, राइट, देन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3a 3b c x 2y z p 5 5, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो जब देखिए, अगर वैल्यू ये वाली रिक्वायर्ड है और हम जो देखें गिवन जो वैल्यूज हैं उसमें ए बी सी, पहले आप इनकी कॉफिशियंट्स नहीं देखते हुए पहले ये देखें कि ए बी सी एक्स वाई जेड, इधर है ए बी सी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में एक्स वाई जेड है, कॉफिशियंट्स अभी नहीं देख रहे हम, राइट। उनमें कॉमन भी निकाल सकते थे थोड़ा सा, वो भी काम हो जाएगा, और p 5 15 इज देयर, राइट, थर्ड कॉलम ऐसा है, तो उसके बाद में हमें इसका वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो उस पर एक काम करेंगे, वी कैन टेक आउट द 5 कॉमन फ्रॉम हियर ऑल्सो, निकाल सकते हैं आप, तो ए बी सी गिवन है, दिस इज 5x, सो ठीक है, मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से, 5 है तो x बचेगा, 2y बचेगा, राइट, एंड 3z इज देयर, एंड दिस इज p 5 15 इज देयर, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 125, सो ये जो वैल्यू है ये 25 रह जाएगी, अब 125 था, सो इट इज डिवाइडेड बाय 5, सो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 25, सो वी विल टेक दिस रिजल्ट एज अ गिवन रिजल्ट, राइट। और उससे हमें ये फाइंड आउट करना है, दैट इज द 3a 3bc x 2y z p 5 5, राइट। तो अब एक काम करें, इसको पूरा हम डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज कर सकते हैं, बिकॉज हमें ए बी सी फर्स्ट रो में रिक्वायर्ड है, अभी कॉफिशियंट्स का प्रॉब्लम है, कॉफिशियंट हम देखते हैं बाद में, सो वी जस्ट वॉन्ट टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दैट विल गिव द सेम वैल्यू, दैट इज द ax p, राइट, b 2y 5 एंड c 3z 15। देखिए ये एक वर्कआउट हुआ, अब इसके बाद में एक काम किया जाए, इट इज रिक्वायर्ड टू 3a 3b 3c है, सो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय 3, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 3a 3b 3c, और वो 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रीजन ये है कि यू आर मल्टीप्लाइंग दिस डिटरमिनेंट, इक्वेशन इज गिवन दैट यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो बोथ साइड यू हैव टू मल्टीप्लाई, राइट। सो नाउ सेकेंड रो विल रिमेन एज इट इज, x 2y 3z वैसी रहेगी, p 5 15 ऐसे ही छोड़ देंगे,
लेकिन देखिए अब कुछ कुछ हमें वैल्यू मिलने लगी है, जिस तरह का डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए उसको, 3a, 3b चाहिए, यहाँ c चाहिएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, x मिल गया, 2y मिल गया, 3z, z चाहिए था, 3z है, p 5 और 15 है जबकि 5 चाहिए। तो क्लियरली बात समझ आ रही है कि इस वाले थर्ड कॉलम से 3 कॉमन निकाल दिया जाए, राइट। जो इसमें से जैसे ही कॉमन आएगा तो आपको फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखोगे आप, सेकेंड कॉलम एज इट इज रखोगे, ठीक है, और थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचेगा सी जेड एंड दिस इज 5, राइट, इक्वल्स टू 125 इंटू 3 ऑलरेडी था, सॉरी 25 था, 25 इंटू 3 था, एंड यू कैन कट दिस 3 बोथ साइड, और यही वैल्यू रिक्वायर्ड थी 3a 3b c। नाउ चेक, 3a 3b c, x 2y z एंड p 5 5, नाउ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 25, दिस इज द वैल्यू, सो द आंसर इज 25, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।